हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ नॉलेज क्रू जो ऑफिशियल। तो आज यहाँ पे हम एग्जामिनेशन फॉर्म भरने वाले हैं सीएसवीटीयू के न्यू पोर्टल से डीजीवर्सिटी। जैसे कि आप सबको पता होगा, चाहे कोई भी सेम के बच्चे हो, तो वो जो न्यू पोर्टल है उससे एग्जाम फॉर्म भरेंगे। अब से पहले तो आपने टीसीएस से भरा होगा, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं न्यू जो आपके पोर्टल है उस पर, सीएसवीटीयू डीजीवर्सिटी। तो यहाँ पे सारी जो है चीज़ें आपको बताई जाएगी कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, तो आपको कोई और टेंशन लेना नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे आएंगे, उसके बाद आपको सिटीजन पोर्टल लॉगिन पेज पे जाना है। उसके बाद ऊपर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा होम, यहाँ पे जाना है। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लॉगिन टू फिल सेम एग्जाम फॉर्म नवंबर दिसंबर 2021, ये आपको लॉगिन करने बोला। लेकिन आप जब फर्स्ट कैंडिडेट हैं, आपने पहली बार यहाँ पे प्रस्थान किया है, आपने आया है जो भी है, तो पहले आपको रीसेट करना है। जैसे कि यहाँ पे रीसेट कर रहे हो, तो रीसेट करने के बाद ऐसे कुछ है, यहाँ पे देख सकते हो ए बी सी डी ई एफ। पहले आपको यहाँ पे जो नीचे दिए हैं, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर फिल करना है, फिर रोल नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट फादर नेम। एक ही बार करना है क्योंकि नया पोर्टल है, इस वजह से ये करना पड़ रहा है, वरना नेक्स्ट टाइम से आपको ये नहीं करना पड़ेगा। तो इसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्म का जो भी एनरोलमेंट नंबर सब यहाँ पे आपके सामने ही फिल कर देता हूँ, तो आपको इस प्रकार इसको फिल करना है। तो मेरा रोल नंबर जो है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मेरा रोल नंबर भी देख लीजिए। तो यहाँ पे कुछ प्राइवेसी की वजह से हम जो है सारी चीज़ें आपके लिए नहीं दिखा पाएंगे, तो जैसे कि ये आपको फिल कर लेना। जैसे कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपको ये जो सारी चीज़ें हैं वो शायद ही बताऊँगा, ये बता भी दिया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये थोड़ा प्राइवेट रखनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद हमारा जो नाम है वो हम यहाँ पे कर देते हैं। तो ये जैसे भी आपको ठीक लगे, आप अपना, यहाँ पे तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि आपको कैसे फिल करना, सॉरी। जैसे कि हम सारे जो चीज़ें हैं वो कैपिटल में ही करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर फादर्स नेम में आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जो कैप्चा है उसे आपको फिल कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ 33GW। उसके बाद आपको सर्च करना है सर्च स्टूडेंट में। तो जैसे कि हमने सर्च करा, तो ये जो हमारा प्रोफाइल है वो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा करना है, फिर आपको थोड़ा नीचे जाना है, उसके बाद आपको पासवर्ड करना है जो भी है आपका कंफर्मेशन पासवर्ड जो भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा लॉगिन आईडी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि आपको क्या करना है। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपना जो ने आपका मोबाइल नंबर है और आपका ईमेल है, आप यही चेंज कर सकते हो। एक बार आपको ये करना होगा, फिर यहाँ पे आपका पासवर्ड जो है आप डाल सकते हो। जैसे कि मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको लाइव करूँगा, इस वजह से थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको जाननी बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको एक बार पता होने के बाद आपको सारी चीज़ें एकदम इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि तो पासवर्ड देख भी लोगे तो क्या होगा यार, इसमें कौन सा अकाउंट है अपना। तो यहाँ पे ऐसा सबमिट कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ऐसे सबमिट करने के बाद जैसे कि है, मैं आपको सेव कर देता हूँ। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपके इस प्रकार आ जाएंगे। फिर आपको स्टूडेंट लॉगिन में जाना है, जैसे कि एक बार आपने कर दिया, यहाँ पर अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि रजिस्टर्ड आपको यहाँ पे करना था, जो आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन आईडी करना है। तो लॉगिन आईडी में यहाँ पे आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको डालना क्या है, जो आपके इनरोलमेंट नंबर है वो डालने हैं। उसके बाद आपको जो पासवर्ड है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये और ये है आपका कैप्चा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार है, तो आपको लॉगिन कर लेना है। तो मैंने लॉगिन कर लिया, मेरा अकाउंट जो है वो यहाँ पे लॉगिन हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, देखो सामने में आ गया BJ601, ये थर्ड सेमेस्टर नवंबर दिसंबर रेगुलर स्टार्टिंग डेट है वो 23 से है, आज से है। लास्ट डेट है वो 7 से, एग्जाम नॉट फिल्ड, अभी तक मैंने फॉर्म नहीं किया है। कौन से कॉलेज से वो देख लो, जाना माना कॉलेज है हमारा, तो यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म में जाना है, फॉर्म में जाने के बाद आपको नीचे यहाँ पे आपके जो है, यहाँ पे देख सकते हो, प्लीज चेक एंड अपडेट योर ओन पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एज ऑल फ्यूचर कम्युनिकेशन विल मेड ऑन इट। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपके जो एग्जाम्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे को 10 जो सब्जेक्ट हैं दिखा रहे हैं, वैसे तो 9 सब्जेक्ट होने चाहिए, 10 काहे दिखा रहे हैं। तो मैं तो आपको यहाँ तक दिखा दिया, जैसे कि आप देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या हमारे पास आ गया, PPL आया, DELD आ गया, डाटा से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया गया है। तो पर्सनालिटी तो अपनी ऐसे ही अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, सीजनल है। तो यहाँ पे आपको आगे करना है, उसके बाद जो अमाउंट है यहाँ पे पेबल, देखो यहाँ पे करना है आपको
तो यहाँ पे डिक्लेरेशन में टिक करना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। तो प्रोसीड टू पेमेंट करोगे उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट। तो आपको जैसे भी ऑनलाइन करना है, जैसे मैं सबमिट एप्लीकेशन यहाँ पे करने वाला हूँ, तो यहाँ पे आपको सारी जो चीज़ें हैं, कौन से बैंक से करने वाले हो, क्या करने वाला हो, ये सारी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ आप अपने सेफली, जैसे कि यूपीआई से करना है तो यूपीआई से कर सकते हैं, वैलेट वैलेट नेट बैंकिंग कार्ड, जो भी आपको ठीक लगे आप कर दीजिएगा। तो वीडियो यहाँ तक की थी, होप करता हूँ जो वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो वीडियो में सिर्फ इतना।